लोक सभा चोणां दे चलदे कांग्रेस उम्मीदवार सुनील कुमार जाखड़ जनसभा नूं संबोधन करन दे लई पठानकोट पुजे, जिथे उन्हां ने महिला मोर्चा दी इक वड्डी जनसभा नूं संबोधन कीता। इस मौके उन्हां दे नाल स्थानीय विधायक अमित भी मौजूद सन अते कई होर भी कांग्रेस दे स्थानक नेता मौजूद रहे। उते दस दिए कि इस मौके पत्रकारां नाल गल्लबात करदे होए सुनील कुमार जाखड़ ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों भगवंत मान ते दित्ते गए बयान ते बोलदे होए कहा कि आम आदमी पार्टी दा वजूद खत्म होण दी कगार ते है। उन्हां ने इस दौरान कहा कि भाजपा ने लोकां नाल धोखा कीता है अते आम आदमी पार्टी ने लोकां नूं वड्डे पद्धर ते लुट्टिया है। आओ देखते हैं इस रिपोर्ट दे विच सुनील कुमार जाखड़ दे वल्लों भाजपा अते आम आदमी पार्टी दे कीते गए तिखे शब्दी हमले। देखिए, आज आम आदमी पार्टी के वजूद का सवाल है, वो आज बिखरने के कगार पे खड़ी है, खत्म होने के कगार पे खड़ी है पंजाब में, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बीजेपी ने धोखा दिया है लोगों के साथ में, उसी तरह आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों को छला। 4 MP जिता के भेजे थे उन्होंने, पंजाब की कोई भी बात नहीं की। ये मसला हमेशा, जब तक इस मसले में दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, ये पंजाबियों के और ख़ास तौर पर हमारे सिख भाईचारे के दिलों में एक बड़ा भारी जख्म है, उसके ऊपर मलहम तभी लगेगा जब ये पकड़े जाएंगे। लोग इन अकालियों को जिन्होंने पंथ की पीठ में छुरा मारा है, इनको सत्ता के नज़दीक नहीं आना देना चाहते फिर से। नहीं लिख लें, अब समय आ चुका है, लोगों के साथ धोखा करने वाले का यही नतीजा होगा। ये पार्टी ना सिर्फ पंजाब लेवल पे पर तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बिखर के एक अतीत की बात रह जाएगी। ताकि उन्हें ऊंचे आदर्शों की बात की थी, बिकने वाले व्यक्तियों को उनको जो कह रहे थे कि हर वॉलंटियर के ऊपर मोर लगा रहे थे, आदर्शवाद की बात कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को उन्होंने पार्टी में जगह क्यों दी जो लोगों के भरोसे को बेच दें। मैं समझता हूँ उनके अपने अंदर झांकना चाहिए। पठानकोट तो लवप्रीत सिंह दी स्पेशल रिपोर्ट दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट द टीवी NRI।